बहना, मैं मनुष्य को सूंघ सकता हूँ और तुम? हाँ भैया, मैं भी सूंघ सकती हूँ। मैं तो उसके चलने की आवाज भी सुन सकती हूँ। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि उनका झुंड हो। मैं देखता हूँ। हिडिंबा ने पांडवों को देखा। एक, दो, तीन, चार और पांच। अरे वाह वाह, आज तो हमारी दावत है। भैया, बहना, उन्हें मारो और उन पांच भाइयों को यहाँ ले आओ। आज हम उन्हें खाएंगे। जैसा आप कहे भैया। हिडिंबी उनके झोपड़े के पास गई। वो आश्चर्यचकित रह गई जब उसने भीम को देखा। ओह, कितना जटिल नौजवान है। मैं उससे शादी करूंगी, पर वो मुझ जैसी राक्षसी से शादी नहीं करेगा, तो क्या करे? हिडिंबी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और खूबसूरत कन्या का भेष बदला। अब मुझे उसे जाकर मिलना चाहिए। हिडिंबी ने भीम की तरफ चलना शुरू किया। ओए लड़की, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? हाँ, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी। मैं तो इस जंगल में ही रहती हूँ। ओ, ये बात है, मैं हूँ भीम। भीम ने अपना परिचय दिया। हिडिंबी ने जब भीम की कहानी सुनी, उसके मन में भीम के लिए जगह बन गई। अच्छा होगा अगर मैं इन्हीं के पास रहूं। उस दिन के बाद हिडिंबी भीम के झोंपड़े के पास रहने लगी। कई दिन गुजर गए। मेरी बहन को क्या हुआ होगा? उसने पहले तो ऐसा कभी किया नहीं। कहते हुए हिडिंबा अपनी बहन की तलाश में निकल गया। जब उसने हिडिंबी को इंसान के रूप में देखा तो उसे झटका लगा। इतनी हिम्मत! एक इंसान के खातिर उसने सारे नियम तोड़ दिए। मैं उस विशाल मनुष्य को सबक सिखाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। हिडिंबा ने भीम के ऊपर हमला किया और उनके बीच घातक लड़ाई हुई, जिसमें हिडिंबा ने अपनी जान गंवाई, जिसे देख हिडिंबी रोने लगी। मैं इस नुकसान की भरपाई कैसे करूंगी? जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हिडिंबी अपने गम को भूलने लगी। वो दोबारा भीम से मिली और उससे शादी के लिए मनाने लगी। हिडिंबी, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? और वो क्या है? मैं तुम्हारे बच्चे के जन्म के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। हिडिंबी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर शर्त मान ली। भीम ने अपनी माँ की इजाजत लेकर हिडिंबी से शादी कर ली। स्वामी, चलो मेरे घर चलते हैं और वहीं रहते हैं। महीने गुजरे और हिडिंबी ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश हूँ हिडिंबी। चलो इसका नाम रखते हैं घटोत्कच। तुम्हें वो शर्त तो याद है ना, जो शादी से पहले रखी थी? हाँ स्वामी, आप अपने भाइयों और माँ के साथ सफर जारी रख सकते हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि हमें सबसे शक्तिशाली बेटा मिला है। और मैं वचन देती हूँ, जब भी आप इसके बारे में सोचोगे, यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। अलविदा। आपकी यात्रा सुखद हो। ओह, कितना अद्भुत था। ओह, काफी रात हो गई है, अब खाना खा लेना चाहिए।